सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास। ठीक है, अपने इस यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। फिर से टाइम ना वेस्ट करते हुए, जैसे कि लास्ट क्लास में आपसे बोला गया था कि आज हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत छोटा पार्ट होने वाला है, जहाँ पर हम सिर्फ देखेंगे कि हम कौन कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ अपनी यूज़ करने वाले हैं आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक, तो आज जो मैं कराऊंगा सिर्फ आपको आइडेंटिटीज ही शो करूंगा कि ये मेरी आइडेंटिटीज है, आप इनको साथ साथ में नोट करते रहना और चाहो तो आप साथ साथ में इनको याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली आइडेंटिटी से। ठीक है, जो कि हर एक बच्चा जानता है बहुत अच्छी तरीके से, क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबको पता होगा क्या होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, वैसे अगर मैं इसको a माइनस बी कर दूंगा, क्या कर दूंगा इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, वो सेम ही होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर b मेरा नेगेटिव हो गया है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू कैसी आ गई है, नेगेटिव आ गई है। ठीक, तो नेक्स्ट है मेरी a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी काफी कॉमन है, बहुत जगह यूज होती है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, चलो, तो एक तो ये हो गई हमारी कुछ। नेक्स्ट ए प्लस बी का, अगर आपके पास में क्या आ जाए, होल क्यूब आ जाए, क्या आ जाए, ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाए, तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और इनटू में ए प्लस बी। आसान है, साथ साथ याद करते हुए चलना, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और इनटू में ए प्लस बी। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, थ्री ए बी के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये बन जाएगी आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab into a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a square b plus फिर 3ab की जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3ab square, तो चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। अच्छा, सिमिलरली अगर माइनस आ जाता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर जहां जहां पर पॉजिटिव साइन था वहां पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अच्छा, इसको भी आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख सकते हो, कैसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस माइनस थ्री ए बी की ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। ठीक है, और फिर माइनस थ्री ए बी की जब माइनस बी से करोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर। यहां बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, बच्चे क्या करते हैं, सारी के सारी टर्म्स को नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे ना, तो एक्सपेंड करने में आपकी जो लास्ट वाली टर्म है यानी कि 3ab स्क्वायर जो पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी नेगेटिव रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, और इसको भी अपना आवेश में आके माइनस का 3ab स्क्वायर कर देते हैं, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, इसलिए बोल रहा हूं आप साथ साथ इसको याद करते चलो, साथ साथ नोट करते चलो, काफी आसान सी आइडेंटिटीज हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे इन आइडेंटिटीज की हेल्प से तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, अदरवाइज बच्चे फिर अटक जाते हैं, कहीं पर फैक्टराइज करने के लिए बोलता है, कहीं पर एक्सपेंड करने के लिए बोलता है क्वेश्चंस को, तो अगर मुझे आइडेंटिटीज नहीं याद होंगी तो जाहिर सी बात है कि मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए इसको आप ये सारी की सारी आइडेंटिटीज आपको क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, इतनी आपने नोट कर ली होंगी, अगली टाइप की आइडेंटिटीज पर आते हैं। फिर से देखो, नेक्स्ट टाइप की जो आइडेंटिटी मैं लिखने जा रहा हूं वो है मेरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, डिफरेंस है ए प्लस बी के होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, सो ये होती है ए प्लस बी, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल रहे हैं यहां तो ए प्लस बी आएगा, बट यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा। ठीक है, तो प्लस है तो यहां पर क्या है, माइनस है। वैसे ही अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये तो ए माइनस बी आएगा, ठीक, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी ठीक है, बट जो ए बी होगा ना नेगेटिव वाले केस में, वो इस बार क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, ध्यान रहेगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना, ए माइनस बी, और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, चलो, तो ये तो कुछ दो दो टर्म्स के साथ थी, एक
एक नेक्स्ट पर आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी काफी अच्छी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना बेटा, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले तीनों का स्क्वायर कर दोगे, फिर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, ये होती है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। अच्छा, बीच में प्लस या माइनस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग के साइन भी यहां पर प्लस या माइनस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूं ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालो, क्या मैं बोल रहा हूं आपसे ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालो, तो एक्चुअल में तो ये ए प्लस और बी की जगह पर माइनस का भी लेना है और प्लस सी और इसका होल स्क्वायर है, यही तो है, बस हो क्या है कि जो मिडिल वाली टर्म है आपकी बी वो नेगेटिव हो जा रही है, तो जहां जहां पे बी यूज कर रहे हो आप वहां पे नेगेटिव कर लो, जैसे कि ए स्क्वायर फिर यहां पर बी स्क्वायर, तो बी मेरा कैसा है माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस का बी स्क्वायर ही रहेगा, फिर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहां देखो टू ए बी, तो टू इंटू ए इंटू माइनस बी कितना हो जाएगा, ये माइनस का टू ए बी हो जाएगा, ऐसे टू बी सी, तो टू इंटू माइनस बी इंटू सी कितना हो जाएगा, माइनस का टू बी सी हो जाएगा, फिर प्लस का टू सी ए, तो अगर वैल्यू कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक। चलो अगली बार आइडेंटिटी पर आते हैं, देखो नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट सी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ठीक है, बड़ी सी लग रही है, नहीं ऐसा नहीं है, आसान है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, अगर ऐसा कहीं पर आपको कोई फॉर्मेट नजर आता है ना तो उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिखोगे एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, हो जाएगा यार, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, क्या लिखा मैंने, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा मैंने ए प्लस बी प्लस सी और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी की। अच्छा, इसको लिखने का तरीका और भी है, ठीक है, इसको लिखने का तरीका एक और भी है और वो भी आप याद रखना, मैंने क्या किया, मैंने इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से डिवाइड कर दिया, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड किया और बाकी आपका एज इट इज है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो डिविजन वाला टू था उसको तो मैं एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है, बाकी a प्लस बी प्लस सी भी एज इट इज रहा, और ये वाला जो 2 था ऊपर न्यूमरेटर में उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उस ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो जब इस ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट करूंगा यानी कि इसको मैं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी हर एक टर्म से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, क्लियर। चलो और देखो और क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, अब फिर से आप क्या करो, टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर है, इनको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर को बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू सी स्क्वायर को लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना दो बार है, और बाकी माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए, ये एज इट इज, ठीक है, प्रूफ करने के लिए भी आता है कभी भी, आप कहीं से याद रखना इसको डायरेक्टली कि कैसे किया था प्रूफ। सो हाफ ए प्लस बी प्लस सी और इस ब्रैकेट में देखो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, किसकी आइडेंटिटी बन गई, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई बी माइनस सी के होल स्क्वायर की, प्लस देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का टू सी ए, तो ये बन गई ए माइनस सी के होल स्क्वायर की, अब उसको आप चाहो तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख लो चाहे सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख लो, बात एक ही है, सोल्व करके तो सेम ही आना है, जब आप सोल्व करोगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए लिखो या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी लिखो, बात एक ही है, तो इस आइडेंटिटी को आप ये भी लिख सकते हो, क्या हाफ ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि हम इस आइडेंटिटी को किसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी को ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा एक बात और, इसी आइडेंटिटी के अंदर अगर अगर कभी आपको कहीं पर ऐसा नजर आ जाए ए प्लस बी प्लस सी जो है मेरा जीरो है, ठीक है, तीनों का सम क्या है जीरो है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी की, तो समझो अगर ये ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो इसके साथ जो भी कुछ लिखा होगा सब जीरो ही हो जाएगा। यहां भी देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो इसके साथ जो भी लिखा होगा सब जीरो हो जाएगा। तो अगर सब कुछ जीरो ही हो जाएगा तो आपका जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी है ना, वो जीरो के इक्वल बचेगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, और अगर ये जीरो के इक्वल बचेगा तो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू में थ्री ए बी सी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? थ्री ए बी सी। किस केस में है ये? जब ए बी सी का सम कितना है? जीरो है। क्या है? ए बी सी का सम जीरो। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी। तो ये मेरी क्या है, ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस? फैक्टराइज करना, ठीक है, एक्सपेंड करना। तो उन सारे क्वेश्चंस में हम इन आइडेंटिटीज की हेल्प करेंगे। और अगली क्लास जो होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। किसके क्वेश्चंस करेंगे? इन्हीं के क्वेश्चंस करेंगे आइडेंटिटीज की हेल्प से ही। ठीक, तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो मैं इसमें आपको कराऊंगा। कब? अगली वाली क्लास में। किसकी हेल्प से? अपनी इन बेसिक आइडेंटिटीज की हेल्प से। क्लियर है? ठीक, तो बाकी फिर से जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी पॉलीनोमियल्स की, वहां पर आप पार्ट फर्स्ट से देखना शुरू करना। ठीक है, तो अभी चैप्टर के एंड की तरफ हम जा रहे हैं, अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ठीक, बाकी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो भी कुछ आपको लगता है कमी लगती है वो आप प्लीज कमेंट में बता सकते हो। ठीक, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय।